है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से पुंछ के मनकोट सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन भारतीय सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब दे दिया, जिससे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। एलओसी पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए उसके दो जवान मार गिराए। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के पांचवें चरण की वोटिंग हुई है आज, और वोटिंग से पहले पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है। एलओसी पर आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान घबरा गया और उसने पाकिस्तानी रेंजर्स को अलर्ट कर दिया। वहीं इतना ही नहीं, पाकिस्तान को उसकी करनी की सजा मिल रही है। कल पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में अलबदर के 3 आतंकवादियों को मार गिराया था और पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर नाचने वाले आतंकवादियों की कमर तोड़ दी थी। एक और ग्रेनेड अटैक आतंकियों की ओर से कल बारामूला में किया गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को अपनी हद में रहने को मजबूर कर दिया। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जी हां, आपको बताऊं, पाकिस्तान लगातार पिछले कई दिनों से युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए एलओसी पर भारतीय सेना की चौकियों और जो है सिविलियन इलाकों को निशाना बना रहा है, और उसी का मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है। बीती रात लगभग 8:30 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से मनकोट सेक्टर एलओसी का जो इलाका है वहां पर भारी फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें पाकिस्तान ने एक बार फिर से सिविलियन इलाकों और भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। और इस जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए हैं, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। और ये जवाब था भारतीय सेना का पाकिस्तान को युद्ध विराम का उल्लंघन करने पर, क्योंकि पाकिस्तान जो एलओसी है उसके ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के साथ आतंकी लगातार छुपे हुए हैं जो भारतीय सेना में घुसपैठ की फिराक में है। और कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव चल रहे हैं उसके पहले यहाँ एक बड़ा हमला करना चाहते हैं, और उसी को पाकिस्तान यहाँ पर उन आतंकियों को यहाँ घुसपैठ करवाना चाहते हैं। मगर भारतीय सेना ने भी लगातार नजर एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाई हुई है, जिसका जो है जवाब दिया है पाकिस्तान को, और जो फायरिंग है सीज फायर वायलेशन है उसका जवाब देते हुए 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज जम्मू। अजय जंडियाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, इस वक्त डीडीसी इलेक्शन शायद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गए हैं, और वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से उसमें आ रहा है वो उसकी तकलीफों को बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते आतंकवादियों को भेज रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसी डीडीसी चुनाव को कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज जा रहा है कि दफा 370 टूटने के बाद 60-65% इलेक्शन में अगर पोलिंग हो रही है तो साफ है कि कम से कम लोग जो हैं किसी तरह से नाराज नहीं है भारत से या सरकार से। तो पाकिस्तान को इसी चीज को नहीं होने देना था, मगर पाकिस्तान की चल नहीं रही। पाकिस्तान घुसपैठ आतंकियों को नहीं करवा पा रहा, मौजूद आतंकी जहां भी मिलते हैं भारतीय सुरक्षा बल उन्हें मार गिराते हैं, और पाकिस्तान पार से जो लगातार इसकी जो है हताशा, पाकिस्तान की ऐसी ही बेहताशा, पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करके सिविलियंस को और जो रिहायशी इलाके हैं या फिर एलओसी पर भारतीय सेना की चौकियां हैं उनको निशाना बनाने के प्रयास कर रहा है, मगर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्योंकि आज चुनाव था और इससे ठीक पहले रात को पाकिस्तान की तरफ से मनकोट में फायरिंग शुरू की गई, और ठीक उसका जवाब देते हुए ठीक मनकोट के सामने पड़ने वाले कोटली इलाका जो पीओके का है वहां पर भारतीय सेना ने कार्रवाई की, जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं और लगभग आधा दर्जन घायल बताए जा रहे हैं, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है, पाकिस्तान फायरिंग करता है, आम निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाता है, तो पाकिस्तान को यही जवाब मिलेगा, ये साफ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजय इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। तमाम अहम खबरें जारी हैं, इंडिया न्यूज पर बने रहिए हमारे साथ।